पॉस्को की जहां पॉस्को के मामलों में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए रांची में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीजीपी ने अनुसंधानकर्ताओं को वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के साथ आरोपी को कोर्ट में सजा दिलाने तक की सभी बारीकियों की जानकारी दी ताकि कन्विक्शन रेट को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। 25 जून से रांची में पोक्सो एक्ट विषय पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसका आयोजन सीआईडी और झारखंड पुलिस कर रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुसंधान को और भी पुख्ता करने, साक्ष्यों के जुटाने और फॉरेंसिक के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही, साथ ही कोर्ट के प्रोसेस और अनुसंधान की बारीकियों को भी बताया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बड़े पुलिस अफसर भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। सोमवार को प्रतिभागियों के बीच डीजीपी ने अनुसंधान की बारीकियों को बताया। इस तरह के मामलों में समय सीमा के भीतर जल्द कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। ट्रेनिंग का शेड्यूल चल रहा है, जो ये चल रहा है इसमें यही सब चीज़ों को सुधार करने के लिए किस तरह से बेहतर अनुसंधान किया जाए, बेहतर जो है वो एविडेंस कलेक्शन किया जाए। और जैसा कि हमने बताया भी कि आंकड़े के अनुसार हमारा झारखंड का जो एवरेज है वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, चाहे वो अनुसंधान में हो, चाहे वो फाइनल फॉर्म चार्जशीट समर्पित करने में हो, वो भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें कि मतलब जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उसको अलग अलग बैचेज में हम लोग लगातार ये कोशिश करेंगे कि सभी ट्रेन हो जाए। साल 2021-2022 में अगर आरोपियों को सजा दिलवाने की बात की जाए तो उसके आंकड़े कुछ इस तरह है। सजा हुए कांडों की संख्या 223, रिहा हुए कांडों की संख्या 688, सजा का प्रतिशत दर 24.48 है। सजा हुए व्यक्तियों की संख्या 285, रिहा हुए आरोपियों की संख्या 751, साक्ष्य के अभाव में रिहा 605, गवाह के मुकरने के कारण रिहा हुए आरोपी 87, समझौता के आधार पर रिहा हुए आरोपी 43 और अन्य कारण से 16 व्यक्तियों को रिहा किया गया। वहीं पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो यह भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 2018 से अप्रैल 2023 तक पोक्सो के 5,897 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में 4,887 पर चार्जशीट किया गया, मात्र 217 में ही फाइनल फॉर्म सबमिट किए गए। लंबित मामलों की संख्या 793 है। 5 वर्षों में 5,749 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पोक्सो मामले पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता वैद्यनाथ वर्तमान में इस वर्कशॉप के प्रतिभागी के तौर पर शामिल हुए हैं। वैद्यनाथ का कहना है कि पोक्सो पर सजा दिलाने में पुलिस का रिकॉर्ड ठीक नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह अनुसंधान का ठीक न होना है। वहीं पोक्सो के मामलों में 2 फॉर्म भी पुलिस कर्मियों को भरने होते हैं, लेकिन वो फॉर्म तक भी अब तक पुलिस कर्मियों को नहीं मिल पाए। पोक्सो कानून 2012 में बना और 23 में आकर के 2002 में उसमें चेंजिंग हुआ, लेकिन आज भी फॉर्म ए और बी की बात झारखंड में पुलिस और पुलिस के थाने तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। ये सारी जितनी भी उसमें मतलब नए चीज लाए गए हैं पोक्सो कानून में, वो थाने के प्रभारी तक पहुँचे। इस प्रशिक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को पोक्सो से जुड़ी सभी बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है ताकि सजा दिलाने के लिए जो पर्याप्त साक्ष्य चाहिए उसको संकलन हो और दोषी कोई भी ना बच पाए। कैमरामैन गुड्डू के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।